हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मॉर्निंग का काम स्टार्ट हो चुका है, अभी बजे हुए हैं, मतलब 4:30 बजे हुए हैं। तो मैं आ चुकी हूँ, एक ग्लास गर्म पानी पी चुकी हूँ, उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में जो बर्तन मैंने रात में रखे थे वो लगा रही हूँ मैं स्टैंड में। तो ये पूरी डलिया को मैं खाली कर दूंगी, उसके बाद मैं इसे पूरी स्लेब को साफ़ कर दूंगी, गैस वगैरह को अच्छे से पोंछ लूंगी। वैसे तो नाइट में सब कुछ काम करके ही डालते हैं, लेकिन फिर भी ये है ना कि बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं तो पूरी मतलब किचन को एक बार पोंछ लो तो ये हो जाता है, ताजीपन हो जाता है, बासा नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी किचन पोंछ दी है। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक कप चाय बनाने के लिए रख दिए हैं, मेरे आलू उबल चुके हैं, तो आलू गर्म है, तो इस वजह से मैं इस ग्लास से मतलब उसे मसल ले रही हूँ, क्योंकि हाथ से मसलने में थोड़ा सा गर्म लग रहा था। और इसमें मसाले में ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूँगी, सादा सिंपल ही मसाला डालूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी, नमक और मिर्ची और धनिया, तो मेरा बेटा खाता ही नहीं है तो उस वजह से मैं धनिया नहीं डालूँगी। और आटा मैंने लगा के रख दिया, जिससे कि मेरा आटा थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाए। और थोड़ी देर पहले आटे को गूंद के रख देते हैं तो सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम पराठे बनते हैं। और ये देखिए, मैंने आलू का भरता भी बना लिया है, मेरा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यही है ना कि मॉर्निंग में बहुत कितना भी कर लो फिर भी काम ख़त्म होता ही नहीं है हम हाउस वाइफ का। तो बस मैं तैयारी कर रही हूँ अभी तो बच्चों की। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज पति देव और देवर जी जा रहे हैं, तो आज पति देव और देवर जी को जाना है आज गुरु जी के पास। तो आज मॉर्निंग में हमें भी जल्दी उठ गया था, तो वैसे वो खाना पीना तो कुछ खा के नहीं जाएंगे, तो वो खाना पीना तो नहीं खा के जाएंगे, क्योंकि गुरु जी के पास आज भंडारा भी है, सब कुछ है। तो पहले गुरु जी को मतलब उनका गिफ्ट देंगे, उसके बाद खाना पीना खाएँगे। वही एक मन में विश्वास होता है ना कि अपने गुरुजी का सम्मान, और आज बहुत बड़ी पूर्णिमा है तो गुरुजी का आशीर्वाद लेके ही खाना वगैरह खाएंगे। तो बस जल्दी से निकल गए हैं, और बच्चों के लिए भी नाश्ता बना रही हूँ, आलू के ही पराठे, तो वो भी तैयार, कपड़े वगैरह सब तैयार करके रख दिए हैं एक जोड़ी और टॉवल वगैरह लेके जाएंगे एक्स्ट्रा में, तो वो भी सब कुछ तैयार करके रख दिया है। इसी वजह से मैं आज 4:30 बजे उठी थी, तो 4:30 से लगातार चलते 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 करते करते और ये हमारा काम हो रहा है किचन में फटाफट से। तो बच्चों के लिए अभी मुझे टिफ़िन भी लगाना है, बोतल भी भरनी है, तो पहले पराठों को सेक के रख दूँगी, तो जब तक ठंडे भी हो जाएंगे पराठे। तो ये है ना, थोड़े से गरम पराठे रखो तो वो वैसे हो जाते हैं गिलगिले टाइप में, तो नहीं, मैं ठंडे करके ही पराठों को लंच में रखती हूँ। और जो आलू के पराठे, मैं थोड़ी सी नमकीन रखूँगी, तो मतलब मेरे बच्चों के टिफ़िन में दो दो डिब्बियाँ हैं, तो एक में मैं नमकीन रखूँगी, एक में अचार रखूँगी आम का, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है नमकीन और अचार से आलू के पराठे। तो फ्रेंड्स, यही है ना, और जब आम का अचार रखूँगी तो उसे एक प्लेट में रख दूँगी, जिससे कि उसका तेल थोड़ा सा नीचे आ जाए, मतलब वेलेंस में रखूँगी, थोड़ा अचार की तरह ऊँचा रखूँगी, तो फ्रेंड्स चिकना ही नहीं, क्योंकि टिफ़िन से ना पूरी बुक्स वगैरह सभी गंदी हो जाएंगी, इसकी वजह से मैं पहले ही तेल को वैसे करने के लिए रख देती हूँ। तो आज मेरे बच्चे लेके जाएंगे आलू के पराठे, नमकीन और अचार। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे बच्चों के टिफ़िन, तो एक में नमकीन रखूँगी और एक में रखूँगी अचार और एक में रखूँगी मैं पराठे। तो फ्रेंड्स, मेरे ये लंच वगैरह सभी तैयार होने करने में भी बहुत टाइम लग जाता है कि क्या रखें, तो बच्चों की बस यही एक प्रॉब्लम है कि बच्चों के लंच में क्या रखें। फिर ये भी है ना कि बच्चों का टाइम भी बहुत हो जाता है, ये मैक्रोनी मैगी वगैरह ये नुकसान तो वैसे तो करती ही करती हैं, लेकिन लंच में रखने से वो ऐसी हो जाती हैं, बिल्कुल लड्डू हो जाती हैं। तो मैं ऐसी चीज़ें बहुत कम रखती हूँ, और मैं ज़्यादातर पराठे अचार और नमकीन वगैरह वैसी चीज़ रख देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरे लंच बच्चों के हो चुके हैं तैयार, और अब मुझे भरना है, मतलब दोनों बच्चों को ग्लूकोज का पानी दे दूँगी, तो ये मैं जाते समय ज़रूर देती हूँ ग्लूकोज।
तो जो अच्छा रहता है। और ये उनकी बोतल भी भर चुकी है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे बच्चों का हो चुका है पूरा प्रॉपर तैयार। तो बच्चे अब जा रहे हैं स्कूल के लिए, तो ये बोतल दे दूँगी। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाय बाय।